नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के और देखेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से ऊपर, हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ऊपर से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, नीचे कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी अगर ये प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होती है, तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पर और देखते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी का डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हाई बना था बैंक निफ्टी का, वो 31,700 के पार का बना था और वहाँ से जो बैंक निफ्टी ऊपर से ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और जो गिरा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 30,400 के लेवल पर आके क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ऑप्शन में प्ले क्यों नहीं करना है आपको, और अगर करना है तो सबसे सस्ते ऑप्शन में ही देखना है। ये देख सकते हो आप, इसके पीछे का रीज़न आपको कहीं हरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देख रहे हो आप। हर कोई प्रीमियम, मतलब इतना बड़ा मोमेंट हो गया, बट कॉल कॉल हो चाहे पुट हो, हर किसी में देखो प्रीमियम घटा है, बड़ा कहीं नहीं है। तो ये होता है यहाँ पे जब कोई इवेंट पे पोजीशन बनती है, जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर है वो अच्छी तरीके से ये चीज़ जानता है कि लोगों को इवेंट प्ले करने की आदत होती है, तो कोई ना कोई बायर आएगा ज़रूर ऑप्शन को बाय करने के लिए हाईएस्ट प्रीमियम पे। इसीलिए वो जो सेलिंग करते हैं प्रीमियम की, वो हाईएस्ट लेवल पे सेल करते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो आप देख सकते हैं उसका नतीज़ा क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही कम लोगों ने कुछ प्रॉफिट कमा पाया होगा, जिनको मिला होगा बाई किस्मत उनको मिल गया होगा। बट आप देख सकते हैं, मतलब इवन अगर मैं 31,500 की अगर पुट लेता और उसको होल्ड करता, तो देखिए वो भी यहाँ पे करीब 339 पॉइंट गिर गई है। तो सोचो कितना बड़ा चेंज है यहाँ पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे सबसे पहले। अब देखते हैं यहाँ पे कि कल के लिए हमारे लिए सिग्नल क्या होंगे, क्योंकि इवेंट ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी स्टेबल होगी, पोजीशन कट गई हैं थोड़ी बहुत बची कुछ कल कट जाएंगी, तो और ये प्रीमियम डाइल्यूट होते हुए दिखाई देंगे। तो 30,400 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो देखते हैं यहाँ पे 30,400 से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे 31,000 की। 31,000 पे आप देख सकते हो 31,000 की जो कॉल है यहाँ पे, देखिए 31,000 की जो कॉल है 4,12,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे कॉल में। तो 31,000 तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। वहीं अगर मैं पुट की बात करूँ तो यहाँ पे 1,56,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ देखी जाए तो 30,500 है जहाँ पे कि 3,18,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, देखिए कॉल पे। और वहीं अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट पे कितना है 1,81,000 का। इसका मतलब क्लियर कट ये है कि आपके लिए 30,500 भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरी चीज़ देखी जाए 30,000 का लेवल, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेवल की बात कर रहा हूँ 30,000 का, जहाँ पे आपको दिख रहा है 3,78,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट पे, और कॉल पे कितना है 2,44,000 का। यानी 30,000 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इस सीरीज़ में, क्योंकि एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। 3,78,000 काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट होता है, ये ब्रेक होता है तो इसके बाद अगर देखा जाए तो सपोर्ट मिलेगा वो आपको सीधा सीधा 29,500 पे जाके मिलेगा, जहाँ पे कि 4,44,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बाकी एक्चुअल पोजीशन कल बनेगी। तो आपको फोकस क्या करना है, फोकस यही करना है कि आपको कि किसी भी रीज़न से आप 30,700-800 के आसपास खुलते हो तो बैंक निफ्टी में आप एक पुट लेके काम कर सकते हो। यही एक इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ट्रेडिंग बन रही है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। 30,700-30,800 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, 30,600 की नहीं बात कर रहा मैं, 30,500 की बात नहीं कर रहा, 30,700 यानी 600 से ऊपर अगर आप खुलते हो किसी भी रीज़न से, तो आप एक पुट लेके काम कर सकते हो, जिसमें जो टारगेट मिल सकते हैं आपको 30,300 तक के मिल सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। फिलहाल बैंक निफ्टी में जो ट्रेड बन रही है वो यही बन रही है। कॉल लेने की मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऊपर से जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आई है, हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग और भी एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे आपको। थोड़ी सी और अगर स्ट्रेच होगी तो नीचे आपको 30,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के तहत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।